देवे भी रहे हो ऐसे ही खाली डिब्बा लेके घूमते रहे। खाली डिब्बा क्यों है, फोन है, दिखाओ खाली डिब्बा तो यार, खाली क्यों है देखो। अरे ये बंदा कौन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, इसको तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। भाई क्या चल रहा है, ये साले स्कैम पे स्कैम सामने आ रहे हैं यार। पहले MLM, फिर डॉक्टर योगिंदर, उसके बाद फिर थारा भाई जोगिंदर, अब जे जे की कम्युनिकेशन। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम तो हमारे सूरज चाचा ने किया यार। 10 दिनों भाई साहब बाहर नहीं निकले, शायद 2023 में रह गए। ये साबा डेरी कहाँ पर पड़ेगा भैया? साबा डेरी आगे जाके भाई साहब लिफ्ट है, आप मिलते हो तो वही भाई साहब हो जो लिफ्ट देते हो, वीडियो बनाते हो भैया? हाँ। फॉलो करते हो? फॉलो करते हैं भाई साहब। क्या बात कर रहे हो, दिखाओ ना। देख लो जी, सच में? सच में। थैंक यू ब्रदर, गिफ्ट मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब। कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, ये लो आज आपको गिफ्ट देते हैं बढ़िया वाला। ठीक है भाई साहब, थैंक यू, खुश हो। तो गाइस एक गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, फोन, आईफोन, वो भी छोटा मोटा नहीं, 15 प्रो। क्यों? क्योंकि रील बनानी है और यूट्यूब चलाना है और जे जे कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि फोन तो वही बांट रहे हैं ना। Hey boy. पर तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत बुरी हालत चल रही है फिलहाल मेरी। आगे बढ़ते हैं, आपको गोवा के अंदर एक स्मार्ट वॉच, आपको भी गिफ्ट। थैंक यू। ये है जे जे कम्युनिकेशन, ये लोगों को फोन बांटते हैं, वो भी आईफोन, नॉर्मल नहीं आईफोन, पर सिर्फ कैमरे के सामने, उसके बाद 500 रुपए दे के ले लेते वापस। अरे तो आप ही हो ना भैया जिसको जे जे कम्युनिकेशन की तरफ से आईफोन मिला था? हाँ जी। आप ही हो? हाँ हमें। पहचान रहे हो आप? हाँ हमें। तो आईफोन मिला आपको? आईफोन मिला, फिर ले लिया वापसी में। अरे मैं तो भैया आपको ढूंढ रहा हूँ कि आईफोन मिला है तो भैया की खुशी, परिवार में सब खुश होंगे। फिर वापसी ले लिया। क्यों? पता नहीं भाई, उनकी मर्जी। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं, फोन दिया फिर ले लिया, 500 रुपए दिए खाली। मैं पहली बार सुनने में आ रहा है कि भैया कह रहे कि आईफोन दिया मुझे और रिटर्न ले लिया है। तो गाइस इसमें एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, शादियों में लड़के पहनते हैं जूतियां, फिर खाते भी अपने बाप के हाथ से। क्या बात करता है यार। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे शादियों में लड़के पहनते हैं जूतियां, लड़कियों के सर पे होती हैं दो चुटियां, और यहाँ तो जे जे भाई ने सरेआम काट दिया है चाचा जी का। चलो समझ गए हो गया अब। अच्छा बात नहीं। तो गाइस क्या फर्क पड़ता है कि चाचा जी को आईफोन नहीं मिला यार, 500 रुपए तो मिलेगा ना, उनकी झाड़ी बन गई। हाँ वो बात अलग है, कैमरे के सामने आईफोन दे और कैमरे के पीछे आईफोन लेने के बाद 500 रुपए दिए, और उसके बाद फिर जे भाई ने लाखों रुपए छापे उस वीडियो से, पर जब ये वीडियो सामने आया तो भाई ने अपने भाई को भेज दिया चाचा से मिलने के लिए। सब फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने उसको बोला, मेरा भाई गया मतलब उसके पास, कि भाई आपको जब आईफोन गिफ्ट, ये देखो यही है वो बंदा। बहुत बढ़िया, चाचा को पैसा वैसा दे के डरा धमका के बात ही बदल दी। चलो कोई नहीं, ये बंदा तो जेजे का भाई है ना, जरा गौर से देख लो इसकी शिकल को एक बार, क्योंकि इसकी पिछली जो वीडियो इसने डाली है ना उसमें कुछ अलग दिखाने वाला हूं तुमको, स्पेशल चीज, मजा आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम आईफोन देवे भी रहे हो ऐसे ही खाली डिब्बा लेके घूमते रहे। खाली डिब्बा क्यों, फोन है, दिखाओ खाली डिब्बा तो यार, खाली क्यों है देखो। अरे ये बंदा कौन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, इसको तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। जेजे भाई आपको पता ही कौन है? ये शायद रैंडम बंदा होगा जिसको जेजे भाई ने अपना आईफोन दिया होगा। तो गाइस ये स्कैम चल रहा है, पिछली वीडियो में बने थे रैंडम बंदा जो आईफोन लेने आया था, और इस वीडियो में इसका भाई, मतलब समझ रहे हो ना। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक, आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और हाँ गाइस कमेंट करके बताना कि चाचा गलत कर रहे हैं फिर अच्छा कर रहे हैं, वैसे अच्छा तो किसी एंगल से ही लग रहा, जो भी है कर देना आप।